ईडी के ऊपर दबाव है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा मुख्यमंत्री को या तो मिला लो या उठा लो, ये सब झारखंड में नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का प्रयास रहता है कि कैसे करके सरकार को गिराया जाए, कैसे इसको बदनाम किया जाए। जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार काम कर रही है उससे इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम लोग का मुखिया के ऊपर जब जब आँच आएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा हर गली हर चौराहे पे नजर है। एक तरफ मुख्यमंत्री आवास में हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी, वहीं रांची के मोरहाबादी में जेएमएम के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं हेमंत सोरेन के समर्थन में, और देखते हैं कैसे हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार के विरोध में भी नारे लग रहे हैं। आप लोग ये रैली करने क्यों पहुंचे हैं? रैली आज हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ खड़े हैं, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। जब से झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का प्रयास रहता है कि कैसे करके सरकार को गिराया जाए, कैसे इसको बदनाम किया जाए। शुरू से लगे हुए, जिस दिन से शपथ लिए तब से ही लोग लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं उसको जाँच के नाम पर, ईडी के नाम पर बदनाम किया जा रहा है, जिसका हम लोग मुतोड़ जवाब देने के लिए आज यहाँ पर जमा हुए हैं। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि अब जब आज ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी, ये कार्यक्रम जो आप लोग का मार्च का है, ये कहाँ से कहाँ तक का है? अभी यहाँ से हम लोग राजभवन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन राजभवन के इर्द गिर्द और मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द धारा 144 लागू है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? उससे क्या होता है, जब हम लोग अंग्रेज के साथ लड़ करके इस धरती को बचाए हैं, और उसका उदाहरण है CNT SPT, कई ऐसे मामले हैं, उससे हम लोग आज हमारा बलिदान के बदौलत, आज हमारे पूर्वजों को बलिदान के तहत आज झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है, CNT और SPT बना है। तो ईडी CD और 144 क्या है, ऐसी तो कई हम लोग को धारा है, आज भी हमारा ऊपर चल रहा है, इससे हम लोग को क्या डर है? इस मिट्टी में हम लोग पैदा लिए हैं, और इसके लिए हम कुर्बानी देने के लिए हजारों हम लोग तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, इसलिए उनको बस परेशान? एकदम सही बात है, जब से देश आजाद हुआ तब से, उसके पहले से भी आदिवासी के साथ शोषण हुआ है, और उसके तहत ही ईडी CD ये सब चल रहा है। जिस दिन से सरकार बनी है, चुनी हुई सरकार, जनता की सरकार, और जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार काम कर रही है उससे इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए आज जो बोलते थे हम लोग 56 इंच का सीना लेकर के हम लोग फतेह करेंगे, आज क्या हुआ? आज हमारा ईडी CD लेकर के आज हमारे पीछे पीछे लगा दिया है, उससे हम लोग को डरने वाले नहीं है, और हम लोग पूरे झारखंड के जितने भी हम लोग आंदोलनकारी है, जितने दूर तक ही जाएंगे ईडी CD, हम लोग उसके साथ हम लोग जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता का क्या आगे का प्लानिंग रहेगा? कोई गिरफ्तारी होने नहीं जा रही है, आज देख लीजिए पूरे रांची में किस तरह का एक हुजूम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हर गली में हर चौराहे में नजर आएंगे, जा रहे हैं कार्यकर्ता, चाहे वो हम लोग का मनोबल है, झारखंड कैसे लिया, झारखंड लड़के लिया, झारखंड हम लोग का ये मनोबल है कि हम लोग का मुखिया के ऊपर जब जब आँच आएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा हर गली हर चौराहे पे नजर है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा, वहाँ जहाँ 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 उनका राज चल रहा है, जहाँ उनके मुख्यमंत्री है, उनके नेता है, उनके विधायक है, उनके ऊपर ईडी क्यों नहीं चल रही है? झारखंड के नेता लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? इस तरह का भारतीय जनता पार्टी प्रचारित करने का नाम ना करे, नहीं तो झारखंड के 24 जिलों में हम लोग इस तरह का ही प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हम लोग मुखिया को किसी तरह से गिरफ्तारी नहीं होने जा रही है, कोई कुछ नहीं होने, ये भ्रम फैला रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए कि ये जो भीड़ है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता जो है अभी फिलहाल रांची के मोरहाबादी मैदान में है, और यहाँ से ये लोग का कहना है कि ये राजभवन ये अपने मुख्यमंत्री अपने नेता के समर्थन में पहुंचे हैं, यहाँ आने का क्या उद्देश्य रहा मैडम? देखिए जिस प्रकार से हमारी चुनी हुई सरकार हमारे युवा मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है ईडी के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये सब काम हो रहा है, आज उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर उतरे हैं कि इस तरह का कार्यक्रम झारखंड में खास करके नहीं चलेगा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री अरेस्ट भी किए जा सकते हैं पूछताछ के बाद।
ये विपक्ष के द्वारा फैलाया गया भ्रम है, कोई गिरफ्तारी होने वाली नहीं है। अगर इस तरह की बात होती जो पहले बार उन्होंने पूछताछ किया था 7-8 घंटे, तो उस समय क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? और आज इस तरह की उन पर दबाव है, ईडी के ऊपर दबाव है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा मुख्यमंत्री को या तो मिला लो या उठा लो, ये सब झारखंड में नहीं चलेगा। और अन्य राज्यों में जिस तरह से हुआ है आपने देखा है, हमारे झारखंड में ये सब नहीं चलेगा। क्या बोल रहे हम लोग भी उसी लिए आए हैं, उनके जो आज अरेस्ट करने के लिए आंदोलनकारी किया, हम लोग सब लेडीज मिल के ही हम लोग शपथ लेते हैं कि उनका अरेस्ट नहीं हो। हम लोग इससे का हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। तो देखिए कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता मोराबादी के मैदान में पहुँचे हैं और यहाँ से ये रैली जो है राजभवन की तरफ मार्च कर गई। लेकिन मुख्य बात यह है कि आज राजभवन के 100 मीटर के इर्द गिर्द जो है धारा 144 लागू है, मुख्यमंत्री आवास के 100 मीटर के रेडियस में धारा 144 लागू है, उसके बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं वो अपने मुख्यमंत्री के समर्थन में रांची पहुंच चुके हैं और ये फिलहाल राजभवन की तरफ मार्च करने को तैयार है। www.thefollowup.in